वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको बताऊंगा किस तरह से हमने जो ये इनवॉइस बनाई थी इसमें जहां पर डेट आ रही है उसे ऑटोमेटिक करंट डेट कैसे सेट किया जा सकता है। यदि आप कोई प्लगइन्स वगैरह का यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है आपको बने बनाए कुछ फंक्शन मिल जाएँ और आप उससे सिंगल लाइन में ही डेट को सेट कर सकें, लेकिन हम कोड से लिख रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आपको जावा स्क्रिप्ट में किस तरह से लिखते हैं वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो जावा स्क्रिप्ट है HTML इनवॉइस की, इसमें मैंने ओपन किया। इसमें सबसे नीचे आकर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन का नाम रख लेते हैं सेट करंट डेट, हमने इसी यही फंक्शन का नाम रख लिया। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें डेट लाना होगी। तो डेट के लिए आप क्या करते हैं कि आप एक फंक्शन होता है, तो हमने एक कॉन्स्टेंट डिक्लेयर किया, कॉन्स्टेंट हम नाम डेट रख लेते हैं, इक्वल टू न्यू और कैपिटल डी लिख कर डेट लिखा। ऐसा करने से क्या होगा, हमारे पास इस डेट वाले वेरिएबल में करंट डेट आ जाएगी। अब हमें इसे, हम क्या करेंगे यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर हम इसे देख लेंगे। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ इसे डिस्प्ले करा लेता हूँ और यहाँ से इस कोड को कॉपी करता हूँ हमारे इनवॉइस में। हम यहाँ पर कंसोल पर जाके इसे पेस्ट कर देते हैं। देखिए जो डेट का फॉर्मेट आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, और हमें जो यहाँ पर डेट, अगर हमने इनपुट टाइप डेट लिया है तो हमें फॉर्मेट हमेशा yyyyymmdd देना होता है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, डेट को निकालेंगे। तो उसे निकालने के लिए क्या करते हैं कि हमारे पास डेट में है तो हमने एक वेरिएबल लिया डी, और डी में हम क्या करेंगे डेट डॉट गेट डेट। ऐसा करने से क्या होगा, डी मतलब जो भी वन फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 हमारे पास इस वेरिएबल में आ चुका होगा। इसके बाद ऐसे ही हम मंथ निकाल लेंगे, तो मंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, हम डी को एम करेंगे, यहाँ पर डेट की बजाय हम क्या कर देंगे मंथ कर देंगे, तो ये हमारे पास मंथ आ गई। ऐसे ही यदि हमें ईयर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर गेट हमारे पास होता है फुल ईयर, तो हमने ये फुल ईयर लगा दिया। तो ये हमारे पास तीनों जो भी डेट मंथ और ईयर आ गया। अब इसमें एक छोटा सा और चेंज होता है कि यह जो भी आते हैं, ये जैसे 1, 2, 3 आते हैं, जबकि हमें दो डिजिट में चाहिए 0, 1, 0, 2, तो हमें एक छोटी सी कंडीशन यहाँ पर और लगानी होती है। वो ये होती है कि यदि हमारी जो डेट है, ये जो डी है, यदि ये छोटा हो 10 से, मतलब 10 से छोटा होगा तो सिंगल डिजिट होगा, तो हम क्या करेंगे डी में डी के पहले एक जीरो जोड़ देंगे, बस इतना। तो ये क्या होगा, डी में पहले एक जीरो प्लस हो जाएगा। सेम ऐसा ही हम क्या करेंगे मंथ के लिए भी कर देंगे कि जो भी मेरा मंथ है यदि वो 10 से छोटा हुआ तो मंथ के पहले एक जीरो प्लस हो जाए। यह फाइनली हमारा तीनों वेरिएबल में प्लस आगे ज़ीरो हो गया। अब हमें क्या करना होगा, इस वैल्यू को एक किसी वैल्यू में लेना होगा, तो हम क्या करते हैं एक CD बना लेते हैं, यानी कि करंट डेट या CUR डेट, जो भी आपको नाम लेना हो उससे कोई इशू नहीं, ये लिया। अब इसमें हमें सेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, वाई को पहले लेना होता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे वाई लेंगे। इसमें जो भी हमें सेपरेटर यूज़ करना हो मैं कर लेता हूँ ये, ठीक है। फिर मुझे वाई के बाद क्या चाहिएगा, मुझे चाहिएगा एम, और एम के बाद मुझे वापस से क्या करना होगा, सेपरेटर लगाना होगा, और फिर मुझे आखिरी में डी जोड़ना होगा। बस ये मेरा YMD फॉर्मेट हो गया। यदि आपको कुछ अलग अलग फॉर्मेट में भी डिस्प्ले करना, तो आप केवल इस पूरे लॉजिक में इतना सा आगे पीछे कर आपका खुद का फॉर्मेट बना सकते हैं। अब ये जो वैल्यू आई है करंट डेट में, या तो इसे रिटर्न करा दो या आपको जहाँ सेट कराना वहाँ सेट करा दो। अब मेरे पास जो HTML है मैं उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करना चाहता, तो मेरे इसमें आप देखेंगे तो नेम लिया हुआ है। यदि यहाँ पर ID होती तो हम वैसे ही डायरेक्टली ही सेट करा देते, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर jQuery का यूज़ कर लेते हैं। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इनपुट है तो मैंने यहाँ लिखा है इनपुट, और यहाँ पर मैंने लिखा नेम, और नेम में मैंने इक्वल टू में क्या लिख दिया INVDT, और इतना करके स्क्वायर ब्रैकेट बंद किया। ये क्या होगा, इनपुट डेट में इसकी वैल्यू में हम क्या करेंगे करंट डेट को सेट कर देंगे। तो ये हमारा फंक्शन जब भी कॉल होगा, जब करंट डेट क्या होगा यहाँ पर सेट हो चुकी होगी। अब इस फंक्शन को आपको, हमने जो इस इनवॉइस में पहले देखा था एक document.ready बनाया था, इसमें जहाँ पर भी आप चाहते हैं, मैं चाहता हूँ सबसे पहले ही डेट सेट हो जाए, तो आप वहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर दीजिए।
मैंने सेव किया, ये सब मैं बंद कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर डेट आ चुकी है। अब एक छोटा सा इसमें एक चेंज और होता है कि ये जो आप यहाँ पर डेटा लाए हैं, तो जब मंथ हम रिटर्न करते हैं तो ये क्या करता है, जनवरी को 1 की स्थान पर 0 रिटर्न करता है। तो हमें क्या होता है कि यहाँ पर मंथ में हमेशा +1 करना होता है। बस ये छोटा सा चेंज और किया और यह आपका डेट का पूरा फंक्शन रेडी हो गया। आप इसे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। आप जब भी रिफ्रेश कर देखेंगे तो जो भी डेट आएगी वो हमेशा लेटेस्ट डेट जो आज है, आज जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय 5 मार्च 2023 है, तो यहाँ पर 5 मार्च 2023 आ गई। कैलेंडर पे भी बाय डिफ़ॉल्ट वो डेट सिलेक्ट होके आ जाएगी। तो आशा है मुझे आपको किस तरह से जावा स्क्रिप्ट में करंट डेट सेट करते हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप निसंकोच मुझे कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।